My friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God promises us a great name in this world. परमेश्वर ने इस संसार में हमसे प्रतिज्ञा की है कि वह हमें बहुत ही महान, बहुत ही बड़ा ऐसा नाम देगा. How can we receive this great name? हम इस महान नाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? It is through the leading of the Spirit of God. ये तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही होगा. 1 Samuel 16:13 says. पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 13 कहता है. The Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. उस दिन से आगे परमेश्वर का आत्मा बहुत ही सामर्थ्य रीति से दाऊद पर उतरता गया. From the day he was anointed. जिस दिन से उसका अभिषेक हुआ था उस दिन से. The Spirit of the Lord came powerfully upon him. परमेश्वर की आत्मा बहुत ही सामर्थ्य रीति से उस पर आई. He started leading David. वो दाऊद की अगुवाई करने लगा. That is the grace which carries you to receive this great name. और यही तो वो अनुग्रह है जो आपको आगे लेकर जाता है कि आप इस महान नाम को प्राप्त कर सके. Holy Spirit is the key. पवित्र आत्मा ही उसके लिए मुख्य कुंजी है. It is very difficult without him. उसके बिना ये तो बहुत बहुत मुश्किल है. He is the one who leads us in this path of the great name. और वही तो है वो जो इस महान नाम के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है. And it is up to us to obey this Holy Spirit. और ये तो हम पर आधारित है कि हम पवित्र आत्मा की आज्ञा मानती जाएं. As we obey how he leads us. और जैसे हम उसकी आज्ञा मानते हैं और जिस तरह से वो हमारी अगुवाई करता है. There is no struggling. तो फिर कोई कश्मकश नहीं होती. No stumbling. कोई भी लड़खड़ाना नहीं होता. He leads us so easily. बहुत ही आसानी से वो हमारी अगुवाई करता है. To receive the name which God has already prepared for us. कि उस नाम को हम प्राप्त करें जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है. He will lead us. वो हमारी अगुवाई करेगा. To receive this great name. कि इस महान नाम को हम प्राप्त करें. Look at David. दाऊद को ही देखिए. He was no more an ordinary shepherd boy. वो अभी इसके बाद में फिर कभी साधारण चरवाहा नहीं रहा. God slowly raised him little by little. परमेश्वर ने उसे धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके ऊंचाई पर लाया. And it's funny the way God raised him in his life. और जिस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन में उसे उठाया वो अजीब है. The first job God gave David was to play a musical instrument. परमेश्वर ने दाऊद को सबसे पहला काम यही दिया कि वो संगीत के वाद्य को बजाते चले जाए. He asked him to play the harp and the lyre for the king. और उसे पहला काम दिया कि राजा के लिए वो दस्तार वाले बाजे को बजाते चले जाए. His spirit was restless. The king was searching for someone to console him. और जब राजा का प्राण व्याकुल हो जाता था तो उसे तसल्ली देने के लिए राजा जो है वो किसी को वहां पर ढूंढते चले जाता था. The soldiers with him said, Oh, we know a person called David. और सिपाहियों ने इस तरह से कहा, हाँ, हम दाऊद नाम के व्यक्ति को जानते हैं. He will come and his presence will give you great comfort. वो आएगा और उसकी उपस्थिति से तुम सच में बहुत ही शांति और चैन प्राप्त करोगे. And he said he asked for David immediately, and David came and played his harp. और राजा ने दाऊद को बुलाने की आज्ञा दी और तुरंत दाऊद आकर उसके लिए बाजा बजाता है. You know, anyone could have come and played the harp. देखिए कोई भी आकर वहां पर दस्तार वाला बाजा बजा सकता था. But when David came and played, लेकिन जब दाऊद ने आकर उस वाद्य को बजाया, it was just not the music that the king heard. और देखिए वहां पर राजा ने केवल संगीत नहीं सुना, but the mighty presence of God filled that place. लेकिन परमेश्वर की महान सामर्थ्य उपस्थिति उस जगह को भर देती थी. And immediately brought peace and rest to his spirit. और इसके कारण राजा में तुरंत शांति और चैन आ जाता था. And King Saul began to love David. और राजा शाऊल जो है वो तो दाऊद से उस समय प्यार करने लगा. He always kept him with him. और वो हमेशा उसे अपने साथ में रखता था. Yes, David received favor and grace in the eyes of the king straight away. और निश्चय ही दाऊद ने राजा की दृष्टि में कृपा प्राप्त की. राजा की दृष्टि इसके ऊपर बनी रही. This is a promise which God is giving us this morning, my friend. मेरे दोस्तों, ये तो वो प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर आज हमें देता है. You are secure in the great name of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में सुरक्षित हैं. He is reminding you that again this morning. वो आज सुबह इस बात को आपको फिर से याद दिलाता है. So say, Lord. और इसलिए आप कहें, प्रभु. Even at this moment. अभी इस पल में. I rededicate myself. मैं अपने जीवन को फिर से सौंपता हूँ. To do anything for you, Lord. कि प्रभु मैं तेरे लिए कुछ भी करूँ उसके लिए मैं तैयार हूँ.
Anything for you, Lord. प्रभु मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. Anything for you, Lord. तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. Show him how much you love him, my friend. मेरे दोस्तों आप उसे दिखाइए कि आप उससे कितना प्रेम करती हैं. How much you want him. आप उसे कितना ज्यादा चाहते हैं उसे दिखाइए. How much you need him to stay with you. आपके साथ में रहने के लिए आप कितनी मनसा करते हैं कि वो आपके साथ में बना रहे. Show him how much you love him. आप उसे दिखाइए कि आप उससे कितना प्रेम करती हैं. The Holy Spirit is filling us right now. पवित्र आत्मा भी इसी समय हमें भर रहा है. Right now. इसी समय. Young children. छोटे बच्चों. Young people. जवान लोगों. Receive him. उससे आप ले लें. Rejoice and receive him. आनंद के साथ में उसे आप ले लें. The Spirit of the Lord which came powerfully upon David. वो परमेश्वर का आत्मा जो सामर्थ्य रीति से दाऊद पर उतर आया था. The winds of the Holy Spirit which filled the upper room. और पवित्र आत्मा की वो आंधी जिसने ऊपरी कोठरी को भर दिया था. Which filled Peter. जिसने पत्रस को भर दिया. It's falling. वो अभी इसी समय आ रहा है. Falling upon each one of us. हम में से हर एक के ऊपर उतर आ रहा है. These are your people, Lord. हे प्रभु ये सब तेरे लोग हैं. You fill them and take care of them, Lord. प्रभु तो इन लोगों को भर दे इनकी देखभाल कर प्रभु. Give them a great name, Lord. हे प्रभु इन्हें तू महान नाम दे. We are yours, Father. हे पिता हम तो तेरे ही हैं. Come, fill, Lord. आकर इन्हें भर दे प्रभु. Let every weakness in them disappear. इनमें की हर एक कमजोरी गायब हो जाए. The strength of the Lord come from this morning. आप परमेश्वर का बल जो है आज सुबह से आती चली जाए. Let them receive great wisdom from God. और ये परमेश्वर की ओर से महान बुद्धि को प्राप्त करें. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. That from this day. कि आज से आगे. You are giving us this great name and leading us in it, Lord. कि तू हमें ये महान नाम दे रहा है और हमारी अगुवाई कर रहा है. Like the name of the greatest men on earth. इस पृथ्वी पर के सबसे महान मनुष्यों के जैसे लोगों के जैसे इन्हें महान नाम दे. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you.